मेरा नाम तो फातिमा जलाल शेख है, मैं मिलिन स्कूल से हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं 15 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा ड्रीम इज़ माई ड्रीम इज़ टू बी अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। मैंने मेरे ड्रीम की शुरुआत 10 साल से की थी, तो मैं आपको मेरे 10वें साल में लेके चलती हूँ। मेरे 10 साल में जब मैं छोटी थी तब मुझे मेरे ड्रीम के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मेरे नेबर्स ने मुझे हेल्प की है। मेरे नेबर्स में एक जो दीदी थी जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है, मैं उनके पास बार बार जाकर उनसे सीखती थी, तो ट्राई करते करते मुझे भी ये सब आने लगा। वो मेरे हेयर स्टाइल्स बनाते थे, मुझे मेकअप करते थे, मुझे मेहंदी लगाते थे, तो उनसे ही ट्राई करके मैंने ये सब सीखा है। और मैं भी दूसरों पर ट्राई करती थी, दूसरों पर ट्राई करते करते मुझे भी ट्रायल्स अच्छे आने लगे और लोग कमेंट्स करने लगे कि हाँ अच्छे डिज़ाइंस भी अच्छे हैं और हेयर स्टाइल भी अच्छा है करती है। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है कि लोग बोलते हैं अगर पढ़ाई में भी है तो फिर आर्ट में भी होना चाहिए, मीन्स कुछ कला में भी होना चाहिए। तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला है। मैं वहाँ से लेके अभी तक मैंने मेरे प्रैक्टिसेस बहुत सारी की है, बट क्लासेस में नहीं गई। मेरे प्रैक्टिसेस में मैंने बहुत सी डिज़ाइंस बनाई और उन्हें शेयर किया एक दूसरे के साथ, और हेयर स्टाइलिस्ट डिज़ाइंस बनाई हैं दूसरों के साथ शेयर भी किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से मेरे डिज़ाइंस को बनाऊँ। मुझे क्लासेस की ज़रूरत है, मेरे फैमिली का सपोर्ट तो है बट मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे क्लासेस का एफर्ट्स मेरे डैडी नहीं कर सकते बिकॉज सपोर्ट तो है बट हो नहीं पाता, घर में ही पूरा खर्चा चले जाता है। तो फिर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिलता है तो आई कैन डू समथिंग इन माय ड्रीम। और जब मेरा ड्रीम क्लासेस मेरे हो जाएंगे तब मैं एक कॉलेज में, मैं कॉलेज के वक्त 10th के बाद मेरा इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहूँगी एक फॉर अ गर्ल। तो वो गर्ल्स के लिए क्यों, क्योंकि जो कॉमन गर्ल्स होते हैं जिनको कोई फ्रीडम नहीं होता, या तो फिर वो ऐसे ही जो रास्ते पर बच्चे होते हैं जो कार के बीच में आकर पैसे मांगते, तो उनके लिए, और जो हॉस्पिटल में जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए, और जिनको लगता है कि वो मेरे इंस्टीट्यूट में आकर कुछ कर सकते हैं उनके लिए मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहूँगी। मेरे जैसी कई लड़कियों के भी कुछ ड्रीम्स है, तो उनके ड्रीम्स को पूरा करना मेरा ड्रीम मैं मानती हूँ। और लड़कियों को कॉमन ना समझिएगा प्लीज़। लोग सोचते हैं कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद में क्या जॉब पर भेजना, उन्हें तो घर में बिठा कर रखना ही है, तो ये प्लीज़ मत सोचिएगा। उनके भी ड्रीम्स होते हैं, वो अपने ड्रीम्स को दफना कर आगे उनकी लाइफ जीते हैं, पता नहीं ये हिम्मत उन्हें कहाँ से आती है। तो प्लीज़ उन लड़कियों के लिए मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहूँगी। मुझे अलग अलग जगहों पर जाना है, एक्सप्लोर करना है, बिकॉज नाउ मुझे ट्रैवल करना है फोर्ट्स पर, टेंपल्स पर, जो डिज़ाइन स्टोन और वुड पे होते हैं उन्हें अच्छे से देखना है, उससे ज्वाइन करके मुझे अपने ओन डिज़ाइंस बनाने हैं और डिज़ाइंस मुझे शेयर करना है दूसरों के साथ में। तो मुझे फैमिली का सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे क्लासेस के लिए। मैं चाहती हूँ, और गोदरेज से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तब से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जा रहा है। मैं पहले मेरे घर पर थी, स्कूल में थी, मैं सोचती रहती थी मेरा ड्रीम है बट ये पूरा नहीं हो सकता, ऐसे मैं सोचती थी, बट यहाँ पर आने के बाद में जो हुआ वो तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तो इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में पता चला है कि ड्रीम होता क्या है, और थैंक यू सो मच फॉर गोदरेज, मुझे गोदरेज से ही अपना ड्रीम प्रेजेंट करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया। रंगभूमि की टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मेरे स्कूल से सपोर्ट मिला है, मुझे पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट मिला है, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल। और मैं बस यही मैसेज दूंगी कि लड़कियों को उनका हक दीजिए, उनकी भी लाइफ है और उन्हें अच्छे से उनका मतलब जो ड्रीम है वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा ड्रीम बस उनका ड्रीम पूरा करना है, तो मुझे फर्स्ट क्लासेस जाने हैं। और ये जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया है उसका नाम सागर चोटी, ये सागर चोटी है, इसे ये एक हेयर स्टाइल का टाइप है। हाँ, थैंक यू सो मच।